राजस्थान विधानसभा में आज बागीदौरा के नवनिर्वाचित विधायक जयकृष्ण पटेल ने शपथ ली। जयकृष्ण पटेल भारत आदिवासी पार्टी के युवा नेता हैं और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के करीबियों में गिने जाते हैं। शपथ के दौरान उन्होंने जय जोहार, जय आदिवासी और जोहार सलाम के नारे लगाए। जैसे ही वे शपथ लेकर जाने लगे, सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख खुद जयकृष्ण भी हक्के बक्के रह गए थे। मैं जयकृष्ण, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, प्रकृति पूर्वज की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा। जिस पद को मैं धारण ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जोहार सलाम, आप सबकी जय, जय लोकतंत्र। सीटों में जाइए, अपने में सीटों में बैठिए, अपने में सीटों में बैठिए। ये आपको शोभा नहीं देता, ये आपको शोभा नहीं देता। बधाई हो आपको। हो गया। बाद में स्पीकर ने सबको शांत करवाया और सीट पर वापस बैठने के लिए कहा। गौरतलब है कि बागीदौरा विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही उपचुनाव हुआ था और नतीजे भी 4 जून को ही जारी हुए थे। इस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल ने भाजपा के सुभाष तंबोलिया को 51,434 मतों से करारी शिकस्त दी थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन किया था। आप राजस्थान के किस जिले से हैं? भारत आदिवासी पार्टी और जयकृष्ण पटेल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल पॉलिटिकल पंचायत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।